आज का दिन जी बहुत अजीम दिन है, आज की रात बहुत अजीम रात है। ये मतलब इसमें फर्दर कोई स्पॉन्सरशिप्स होती हैं या ये आपके तारीख ग्रुप की तरफ से ये सादत उनको हासिल हुई हुई है, मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएं। आज ईद मिलादुन नबी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं तमाम आशिकान रसूल को, आलम इस्लाम को, बल्कि तमाम रहमतों की मखलूकात को इस जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस खुशी में मैं चाहूँगा कि तमाम लोग जो इस वक्त मेरी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हों। हमारे बहन भाई मर्द ख़वातीन सब के लिए यहाँ पे इंतज़ाम मौजूद है, तो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और इस प्रोग्राम में शिरकत करें, इस जश्न में शिरकत करें। आप क्या समझते हैं प्रोग्राम किस टाइम तक स्टार्ट हो जाना है? प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले 15 से 20 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा और अल्लाह के बहुत शुक्र गुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने इस मौके पर खिदमत का मौका दिया है और हमें खुद खिदमत गुजारी करने के लिए हमें चुना है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी कामयाब करे और ये बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और सब उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ताला इसको अच्छे तरीके से कुछ उसलूबी से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है अल्लाह ताला अंजाम तक कुछ कामयाब करे। थैंक यू। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ठीक 15 मिनट बाद आगाज़ हो जाएगा, 9 बजे इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ होगा और सहर का जो वक्त है जो ठीक आप आमद का वक्त है 3:30 के राउंड प्रोग्राम का इंशाल्लाह सलातुल्लाह के साथ इख्तिताम होगा। भजन यहाँ पे तकरीबन मोर देन 3000 जो है वो मर्द हजरात का बंदोबस्त किया गया और तकरीबन 200 से 300 खवातीन के लिए बंदोबस्त किया गया। किस टाइम तक प्रोग्राम स्टार्ट होगा और किस टाइम इख्तिताम होगा? बस इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 9:15 तक स्टार्ट हो जाएगा, 9:20 तक, और जो है ये तकरीबन फजर तक जो है कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। फजर को इंशाल्लाह इख्तिताम होगा इसका। यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक बहुत ही पुरवकार तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है और उस हवाले से जो रजब साहब हैं ये हमें कंप्लीट डिटेल देंगे और ये इवेंट जो है ये पिछले 5-6 साल से रेगुलर पिछले पाँच साल से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तारीख ग्रुप ऑफ कंपनीज बेसिकली ऑर्गेनाइजर हैं इस इवेंट की। ओके, तो बेसिकली ये हर साल 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब को इसका इनेकाद किया जाता है। मुल्क भर से नामवर सनाखाने मुस्तफ़ा उलमा इकराम तशरीफ़ लाते हैं। okay. और महफिल जो है जश्न सुबह नूर इशा के बाद स्टार्ट होती है। okay. और टिल फजर तक ये चलती है। और ये मतलब इसमें फर्दर कोई स्पॉन्सरशिप्स होती हैं या ये आपके तारीख ग्रुप की तरफ से ये सादत उनको हासिल हुई हुई है, मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि समटाइम हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग जो होते हैं जो वेल सेटल्ड होते हैं वो इस तरह के इवेंट के अंदर मतलब स्पॉन्सर करना चाह रहे होते हैं सवाब की नियत से, आपको पता है, तो मतलब थोड़ा सा इस हवाले से बता दें प्लीज़। ये होता है ऐसे कि हम बेसिकली तारीख ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे CEO सैफर रहमान से हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सारा मैनेजमेंट ओवरऑल मैनेजमेंट सुपरविजन उनके पास है, उनकी गाइडलाइंस पे हमने चलना होता है। तो एक सिचुएशन ये है कि अगर कोई साहिब इस्तेआत है वो खुशी से अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो उसको हम वेलकम करते हैं, वो कर सकता है। मतलब नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट ईयर में अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मतलब अपने इसकी स्पॉन्सरशिप में यस तो वो कर सकता है सवाब की नीयत से। और मैं एक चीज़ और अभी देख रहा था कि मतलब ओवरऑल कुछ थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब खाने का जो है वो बकायदा इंतज़ाम है। अभी तकरीबन हमारा मगरब के बाद इशा के बाद हमारा लंगर का सिलसिला चलता रहता है। जैसे जैसे लोग आते हैं पहले लोग खा के फ्री होते हैं, फिर जो बंदे लोग रह जाते हैं उनको हम प्रॉपर एक हमारी हमने टीम बिठाई हुई है जिसको प्रॉपर मैनेज कर रही है और हर बंदे को लंगर खाना खिलाया जाता है। वो मैं ऑलरेडी देख रहा था कि वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वेल थैंक यू सो मच रजब भाई, तो आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी मैं डेली टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम को कवर किया। इंशाल्लाह बस दुआ करें हमारे लिए और हमारे CEO के लिए कि हम कई सालों तक ये अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आपको बहुत कुछ दे। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ क्यों आए और कितने टाइम से ये यहाँ पे रेगुलर आते हैं। जी आदिल जी, माशाल्लाह जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3-4 या 6 साल से इधर आ रहा हूँ और माशाल्लाह ये तो महफल है नबी की और अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानअल्लाह यहाँ पर आना चाहिए और बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आके, ये बस का जिक्र होता है यहाँ पर और महफल है तो ये बहुत अच्छा है।
हाँ बिल्कुल आदिल, अल्लाह ताला जो है हर इन मुसलमान को ये तौफीक अदा करे। और ये जो ये महफ़लें हैं ये तो दर्जात आपके बहुत बुलंद हो जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला आसानियाँ करे, इनकी बरकतों से हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम हो। रिजवान शाह साहब, आई थिंक कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रिजवान भाई कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, तमाम मुसलमान भाइयों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुसूसी मुबारक हो। जी आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। कैसा लग रहा है इवेंट? और आप तो खैर इस आज के दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे, एंगेज होंगे। आज का दिन जी बहुत अजीम दिन है, आज की रात बहुत अजीम रात है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का दिन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है आज ठीक रात 12:00 पे है, तो रात को जो ये जिक्र महफल सजी होगी और नात खवानी का एक जिक्र जारी होगा, तो उसमें जो विलादत का टाइम होगा वो बेहतरीन लम्हात होंगे जिसमें सरकार दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है वो होती है। जहाँ उनका जिक्र होता है वहाँ बताया जाता है कि उनकी आमद होती है। तो बहुत खुशी के लम्हात हैं जी मुसलमानों के लिए कि सरदार उलम्बिया दो जहानों के सरदार, मलाइक के सरदार, अम्बिया के सरदार, मुसलमानों के सरदार, हम सब के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है वो आज रात जो है उनकी आमद का दिन है, उनकी आमद की रात है। तो बहुत खुशी है तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारक के साथ साथ आज बेहतरीन जिक्र होगा। मुल्क के नामवर नात खवान आज परफॉर्मेंस पेश करेंगे, हमारे और बहुत सारे मुअज्ज़ज़ गेस्ट इस महफिल में शरीक होंगे, हमारे अफजल भट्ट साहब हैं जो कायदे सहाफत हैं वो भी शरीक होंगे, और सियासी समाजी तमाम शख्सियात, मीडिया के लोग आपके सामने हैं कवरेज के लिए इंशाल्लाह।